झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने रांची स्थित जेएमएम कार्यालय में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा, कुछ दिन पहले मैंने इशारा किया था कि मैं टारगेट में हूं, क्योंकि मुझे एक ईडी के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था, यू शुड म्यूट योर माइक, तो मैं चुप क्यों रहूंगा, बोलूंगा। और यहां के कई विश्वविद्यालय के कुलपति, डीजीपी, मुख्य सचिव से फोन पर ही बात करता हूं। जो चैट में बात हुई है, क्या उस व्यक्ति का ट्रांसफर हुआ है? मेरा नाम आज तक नहीं आया है। और अंतु तिर्की के साथ है तो बताइए कहां से आया, क्या ये चार्जशीट में है, ये पब्लिक डोमेन में कैसे आया? अपने नेता का साथ निभाने होटवार जाना होगा तो जाएंगे, साथ देंगे, लेकिन अपना मुंह बंद नहीं करेंगे, वहीं से विज्ञप्ति बनाएंगे और भेजेंगे। देखिए, मैं तो इस बात को बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन तीन दिन चार दिन पहले हमने एक इशारा जरूर किया था आप लोगों को कि अब मैं टारगेट में हूं, क्योंकि मुझे ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा ये कहा गया था कि यू शुड म्यूट योर माइक, आप अपनी आवाज को बंद कर दें। मेरे पास मेरा मोबाइल है, मैं समाज के बीच में रहता हूं, समाज का हर तबका का, चाहे उसके स्वास्थ्य के संबंध में हो, शिक्षा के संबंध में हो, शादी ब्याह के संबंध में हो, ट्रांसफर पोस्टिंग के संबंध में हो, सभी चीजें हैं। और यहां के कई विश्वविद्यालय के कुलपति से लेकर डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासनिक पदाधिकारी, मैं तो अपने मोबाइल से मुख्य सचिव तक से बात करता हूं, डीजीपी से भी बात करता हूं, लेकिन बातों का सरोकार क्या है ये तो पूछिए ना, कि मेरे मुख पे आप केवल कालिख पोत दे। आप बताइए, जो चार चैट आप बता रहे हैं, क्या वो व्यक्ति का ट्रांसफर हुआ उस पोस्ट पर 2021 में? यही ना कि आज तक मेरे खिलाफ जब कुछ नहीं निकला तो बस वही अंतु तिर्की वाला निकल गया, तो अंतु तिर्की का मोबाइल में और भी तो होगा, वो क्यों नहीं बाहर आ रहा? और भैया, चैट का आपके पास स्क्रीनशॉट कहां से आ गया? ये यदि कोर्ट में प्रोड्यूस्ड है तो क्या उसका सर्टिफाइड कॉपी निकला है? क्या वो चार्जशीट है कि वो पब्लिक डोमेन में कैसे आ गया? इसलिए मैलाफाइड इंटरेस्ट है कि झामुमो के इस चेहरे को काला कर दो। नहीं होगा काला, यही ना होगा। अपने नेता का साथ निभाने के लिए होटवार जाना पड़ेगा, अच्छा तो रहेगा, बिना होटवार गए मेरा तो आवाज बंद नहीं होगा। और होटवार भी जाएंगे तो डेली प्रेस विज्ञप्ति वहां पर बनाएंगे और अधीक्षक से मुहर लगवा। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए एलीट इंस्टीट्यूट।